यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कोहराम मचा रखा है। हूतियों के हमलों में दर्जनों जहाज को नुकसान पहुंच चुका है। हूतियों का आतंक इतना ज्यादा है कि दुनिया भर के कार्गो शिप एशिया आने और जाने के लिए अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं के गठबंधन को भी नाको चने चबवा रखे हैं। हूती लड़ाके अभी भी लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज पर मिसाइलें दाग रहे हैं। समुद्री लुटेरों से ज्यादा खूंखार हो चुके हूतियों के खतरनाक हथियारों से अमेरिका भी दंग है। अमेरिका ब्रिटेन के नेतृत्व में बना गठबंधन भी बौखला गया है। अपने हमले के कथित चौथे चरण में हूतियों ने एक बार फिर एक नए हमले के साथ लाल सागर में कोहराम मचा दिया है। फिर हूतियों की ओर से जहाजों पर हमले से मिडिल ईस्ट दहल उठा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि पनामा के झंडे वाले दो कंटेनर जहाजों पर अदन की खाड़ी में दो मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया गया। हूतियों की हिमाकत यहीं तक नहीं रुकी, इसके लड़ाकों ने हिंद महासागर में भी एक जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है। गुरुवार को हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने MSC डिएगो और MSC जीना पर हमले का दावा किया है। सारी ने कहा कि समूह ने हिंद महासागर में MSC विक्टोरिया को भी निशाना बनाया। हालांकि किसी भी अधिकारी ने उस जहाज पर हमले की पुष्टि नहीं की है। نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينتين على النحو التالي: الأولى سفينة MSC ديجو الإسرائيلية في خليج عدن، والأخرى سفينة MSC جينا الإسرائيلية في خليج عدن. وقد تمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونفذت القوات الصاروخية عمليتين نوعيتين استهدفت سفينة MSC فيتوريا في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وكما جاء في بياناتها السابقة. खास बात यह है कि याह्या सारिया के ये दावे ऐसे वक्त पर आए हैं जब हाल में विद्रोही हमलों की गति कम हो गई थी। दरअसल हूतियों पर अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के युद्धपोत की ओर से बार बार किए गए हवाई हमलों से निशाना बनाया गया है। ABC न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में एक्टिव अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया कि दो मिसाइल हमले मंगलवार तड़के हुए। इसमें कहा गया कि किसी को भी चोट नहीं आई और जहाज पर सवार सभी क्रू सुरक्षित हैं। दावा किया गया है कि जहाजों को इजराइल से जुड़ा होने के चलते टारगेट किया गया था। दोनों जहाज जिनेवा में मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के लिए काम कर रहे थे। हूतियों ने दावा किया कि लाल सागर और अदन की खाड़ी में शिपिंग पर उनके हमलों का मकसद गाजा में हमास के साथ अपने संघर्ष को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव डालना है। अमेरिकी समुद्री प्रशासन के मुताबिक हूतियों ने बीते साल नवंबर से अब तक 50 से ज्यादा हमले किए हैं। इसमें से एक जहाज को जब्त करना और दूसरा डुबाना शामिल है।